बीजेपी के किसानों की जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद और बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलामी नहीं सहेगा राजस्थान से जो पोस्टर लगाए हैं उस पर बड़ा विवाद हो गया। ये विवाद किसी और ने नहीं बल्कि पोस्टर में लगे उसी किसान ने उठाया है जिसकी फोटो पोस्टर में लगी है। किसान का कहना है कि बीजेपी ने उसकी पोस्टर धोखे से लगाई है जबकि वो तो 200 बीघा जमीन का मालिक है, ना तो उस पर कर्ज है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। पोस्टर पर सवाल उठे तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली। रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी की जमीन नीलामी वाली पोस्टर पर बवाल, किसान का बयान ना कोई कर्जा ना जमीन नीलाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का पोस्टर वाला दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले सड़क के किनारे बड़ी सी होर्डिंग पर नजर डालिए। पोस्टर में लिखा है 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। किसान वर्ग के बीच चुनाव का माहौल बनाने के लिए बीजेपी का ये दांव यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस पोस्टर में एक बुजुर्ग की तस्वीर लगाकर बीजेपी फंस गई। अब बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। इस पोस्टर पर जिस किसान का फोटो लगा है वो फोटो रामदेवरा के माधुराम जयपाल किसान का है। अब उसी किसान ने दावा किया है कि बीजेपी ने अपने होर्डिंग में बिना इजाजत उसका फोटो इस्तेमाल किया है। किसान का ये भी कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, बल्कि वो तो 200 बीघा से अधिक जमीन का मालिक है। किसान का कहना है कि इस पोस्टर में उसके और परिवार की बेइज्जती हुई है। ये किसान परिवार अब इस विवादित पोस्टर को लेकर बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। कमल पूजी को मंझाई को फोन लगाएगा, मंझा बजे का फोन लगाएगा, क्या लगाया बाबा फोन, कहीं मांगो लगाओ, बिल क्या लगाओ फोन। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। मामला जैसलमेर जिले के रामदेवरा का है। रिखियो खिठाड़ी में रहने वाले किसान माधुराम जयपाल का कहना है कि भाजपा के बैनर पर लगा फोटो उसका है। माधुराम ने बताया उनके गांव में एक युवक कुछ दिन पहले जयपुर आया, उसने जयपुर में कई जगहों पर ये बैनर लगा देखा जिस पर माधुराम की फोटो थी। उसने बैनर का फोटो लेकर गाँव के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। इसी ग्रुप में किसान का बेटा जुड़ा था, उसने ये मैसेज देखा तो अपने पिता को बताया। बैनर में जमीन नीलामी की बात थी लेकिन मेरी तो कोई जमीन ही नीलाम नहीं हुई। वहीं माधुराम का कहना है कि मेरी फोटो बिना वजह लगा दी, मुझसे पूछा भी नहीं। अब किसान और परिवार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इस फोटो को हटाया जाए। किसान माधुराम की माने तो फोटो का पता चलने के बाद वे स्थानीय बीजेपी नेता नारायण सिंह से मिले। उनसे कहना था कि मेरी गलत फोटो लगाई गई है,